बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंग्लो सैक्सन पीरियड को डॉक्टर बी आर मुले की बुक क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, और आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1100 से और एंड होता है 1500 पे। इस टाइम पीरियड को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं और एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी। और ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के एंड होने से इसका स्टार्ट होता है। अब इस मिडिल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन से हैं? बिफोर चौसर, द एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर चौसर। अब सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। द नॉर्मन्स हु वर रेजाइडिंग इन नॉर्मेंडी फ्रांस, नॉर्मन्स जिनके ताल्लुक नॉर्मेंडी फ्रांस से था, डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन किंग, उन्होंने एंग्लो सैक्सन किंग को शिकस्त दी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में 1066 में, एंड कंकर्ड इंग्लैंड, और फिर उन्होंने इंग्लैंड पे पूरा कब्जा कर लिया। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मन्स ने नॉर्मेंडी के रास्ते, नॉर्मेंडी से दरिया के रास्ते या समंदर के रास्ते यहाँ से सफर किया और इंग्लैंड के किनारे पे जाके बैटल ऑफ हेस्टिंग्स लड़ी, और जहाँ पे उन्होंने फतह हासिल करके इस पूरे इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया। अब नॉर्मन्स का जो बादशाह था उसका नाम था विलियम द कंकरर, जिसने फतह हासिल की और जिसे शिकस्त मिली वो कौन सा था? किंग हारोल्ड, जिसने शिकस्त हासिल की। ये है एंग्लो सैक्सन्स का किंग, और ये कौन सा है? ये है एंग्लो नॉर्मन्स का किंग विलियम द कंकरर, और इसका नाम था हारोल्ड गॉडविनसन। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मन्स ब्रॉट विद देम फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज। वो नॉर्मन्स जो थे वो अपने साथ क्या लाए? फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच लैंग्वेज साथ लाए। एज अ रिजल्ट, अब इसका नतीजा क्या निकला? द फ्रेंच लैंग्वेज इंटरेक्टेड विद द नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसने इंटरेक्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज से, तो इससे क्या वजूद में आया? ओल्ड इंग्लिश वजूद में आए। Besides this, French English, French was selected as the official language. और उसके बाद क्या हुआ कि French language जो थी उसको official language बना दिया गया, क्योंकि जो उस time के जो उम्र थे या जिनकी उस वक्त हुकूमत थी, rule कर रहे थे normals, तो उस time उनकी ज़बान ने ही official language की जगह ली। Next point है कि जो religious language थी वो कौन सी थी? Religious language Latin थी, church की language, और text जो थे religious text वो भी लैटिन में ही लिखे जाते थे। हाउएवर इन दिस पीरियड मैनी मोर थिंग्स हैपन्स, इस जमाने में और बहुत से जो है वाकयात हुए या बहुत सी चीजें हुई। सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है? लंदन बिकेम द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, जो लंदन है इसको इंग्लैंड का कैपिटल बनाया गया, और उसके बाद जो दो यूनिवर्सिटीज हैं वो वजूद में आई। नंबर वन है ऑक्सफोर्ड और सेकेंड क्या कौन सी है? कैम्ब्रिज। और जो ऑक्सफोर्ड है वो बनी 1167 में, और कैम्ब्रिज है 1209 में इसका वजूद, ये वजूद में आए। नेक्स्ट है कि हाउएवर फ्रेंच वाज फाइनली रिजेक्टेड फ्रॉम द टैग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1415। अब 1415 में जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको क्या किया? उसका जो टैग था ऑफिशियल लैंग्वेज का उसको रिजेक्ट किया गया व्हेन किंग हेनरी फाइव अफर्म्ड इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेशन इन इंग्लैंड। जब किंग हेनरी फाइव ने इंग्लैंड पे इंग्लिश का गलबा तस्लीम कर लिया। इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। अब हम देखेंगे कि जो एंग्लो नॉर्मन्स हैं उनके आने से सोसाइटी पर क्या असर पड़ा। तो जब हम एंग्लो सैक्सन्स पीरियड से एंग्लो नॉर्मन्स में आते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस सिचुएशन या इस तब्दीली ने उनके माशरे पर, उनके लिटरेचर पर, उनकी लैंग्वेज पर और उनके लाइफस्टाइल पर क्या असर डाला। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि एंग्लो सैक्सन्स एक्सेप्टेड द सिचुएशन,
जो एंग्लो सैक्सन थे उन्होंने इस सिचुएशन को क्या कर लिया था, कबूल कर लिया, यानी कि हार जाने के बाद इस शिकस्त को कबूल किया गया और फिर उनका जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्टाइल है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि एंग्लो सैक्सन राइटर्स डिसप्लेस्ड। एंग्लो सैक्सन राइटर्स क्या थे, डिसप्लेस्ड हुए, जिस तरह से उनके जो किंग थे डिसप्लेस्ड हुए, इस तरह उनके जो राइटर्स थे वो भी डिसप्लेस्ड हुए। उनके राइटर्स और थिंकर्स और किंग्स ये सारे क्या हो गए, डिसप्लेस्ड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंग्लिश लाइफ स्टाइल वॉज ओवर शेडोड। इंग्लिश लाइफ स्टाइल क्या हुआ, वो ओवर शेडो हो गया। वो किन चीज़ों से ओवर शेडो हो गया, वो दो चीज़ों से ओवर शेडो हो गया। नंबर एक है कि चूंकि नॉर्मल्स क्या थे, फ्रेंच थे और उनकी लैंग्वेज भी फ्रेंच थी, तो लैंग्वेज ज़ाहिर है इफेक्ट करती है लाइफ स्टाइल को। इसी वजह से जो इंग्लिश लाइफ स्टाइल वो ओवर शेडो हो गया फ्रेंच लाइफ स्टाइल से। अब सेकेंड पॉइंट है वो है रिलीजियस एलिमेंट। क्योंकि रिलीजन की लैंग्वेज क्या थी, लैटिन थी, इस वजह से भी इंग्लिश लाइफस्टाइल खासा मुतासर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल्स ब्रॉट विद देम राइटर्स आर्टिस्ट स्कॉलर्स एंड सोल्जर्स। नॉर्मल्स क्या थे, अपने साथ राइटर्स भी लाए, आर्टिस्ट भी लाए, स्कॉलर्स भी लाए और सोल्जर्स भी। नेक्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, लैंग्वेज। जैसे कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि चर्च की लैंग्वेज क्या थी, चर्च की लैंग्वेज और थी, नोबिलिटी लैंग्वेज और थी, और कॉमनर्स की जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी। चर्च की जो लैंग्वेज थी वो थी लैटिन, नोबिलिटी लैंग्वेज थी फ्रेंच, नॉर्मल्स जो अपने साथ लाए थे और चर्च में जो लैंग्वेज बोली जाती थी या जो रिलीजियस बुक्स लिखी जाती थी वो लैटिन में लिखी जाती थी, और जो आम आवाम थी उनकी जबान थी इंग्लिश। टू लैंग्वेज दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री क्लासेस। अब इसी लैंग्वेज की वजह से इस पीरियड को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। नंबर वन रिलीजियस क्लास, सेकेंड नोबिलिटी क्लास एंड थर्ड है कॉमन पीपल। अब चर्च का ताल्लुक क्या था, चर्च का ताल्लुक था रोमन कैथोलिक चर्च से और वो इटली को अपना मरकज मानते थे और ये लोग चाहते थे कि माशरे में जो लैटिन लैंग्वेज है वो डोमिनेट हो ताकि माशरे पर रिलीजन का जो असर है और जो पावर है वो और ज़्यादा मजबूत हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो नेक्स्ट है वो नोबिलिटी क्लास थी जो उस पर रूल कर रहे थे, यानी कि नॉर्मल्स जो हुकूमत कर रहे थे, अफसरान बाला थे, वो क्या चाहते थे कि उनकी जो जबान है वो एम्पावर करें, यानी कि एम्पावरिंग थ्रू लैंग्वेज। ये वही कंसेप्ट है जिसको एडवर्ड सैड ने कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में लिखा और ये वही कंसेप्ट है जिसको सिग्निफाइड और सिग्निफायर में सोशर ने लिखा और ये वही कंसेप्ट है जिसको हमने द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड के कंसेप्ट में पढ़ा क्रिटिसिज्म में। यानी कि लैंग्वेज उसकी डोमिनेट करेगी जो कि मोस्ट पावरफुल है। अब इस लड़ाई का क्या नतीजा निकला, अब इस तमाम लड़ाई का नतीजा ये निकला कि अगले 300 साल तक जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसमें कोई खास काबिल जिक्र काम नहीं हुआ, कोई किताब नहीं लिखी गई जो खालिस्तन इंग्लिश जबान में हो। यानी कि अगर कोई किताबें लिखी भी गई तो उन पर जो लैटिन और फ्रेंच का क्या था, असर था। और इस एज को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई खास काबिल जिक्र काम नहीं हुआ और जो राइटर्स थे, जो आम लोग थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी वो बेनामी की हालत में लिखी। अब इस जमाने की जो पोइट्री है, इस नेक्स्ट पॉइंट है पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री डिसअपेयर्ड। जो इंग्लिश पोइट्री थी वो क्या थी, डिसअपेयर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर्टली पोइट्री दैट सूटेड मोनार्क्स। जो दरबारी शायरी थी उसने बहुत ज़्यादा इस ज़माने में तरक्की की क्योंकि जो नॉर्मल्स थे वो चाहते थे कि उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में जो नज़में या पोइम्स वो लिखी जाएँ, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने तरक्की की वो थी दरबारी शायरी। अब है नेक्स्ट पॉइंट है कि नो पर्सनल चॉइस। जो राइटर्स थे या जो पोइट्स थे उनके पास पर्सनल चॉइस नहीं थी, दैट्स वाई अनएनिमिटी वाज कॉमन। तो इस वजह से बहुत से राइटर्स ने बेनामी की हालत में लिखा और इस वजह से उनके जो वर्क्स थे वो भी महफूज नहीं किया जा सके। अब इस जमाने में क्या है, इस जमाने में वो हमें तीन तरह के जो पोइम्स हैं वो मिलती हैं। वी फाइंड थ्री टाइप्स ऑफ पोइम्स इन दिस पीरियड। अब वो कौन सी है, क्रॉनिकल्स है। नंबर वन क्रॉनिकल्स, एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ क्रॉनिकल्स।
इस जमाने में बहुत सी क्रॉनिकल्स लिखी गई एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी, और इसको साथ साथ क्या कहा जाता है, हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है। अब इसकी जो पोइम है, जो वर्क है, वो क्या है, लायमंस ब्रूट इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू दिस यानरा। इस यानरा के जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट वर्क है वो कौन सा है, लायमंस ब्रूट। इट इंक्लूडेड 16,000 अलॉन्ग लॉन्ग एलिटरेटिव लाइन्स, 16,000 लॉन्ग एलिटरेटिव लाइन्स लिखी गई लायमंस ब्रूट की। और इसके जो मेन और इम्पोर्टेंट ऑथर्स थे वो कौन से थे, रॉबर्ट ऑफ ग्लोसिस्टर एंड रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रून। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है रिलीजियस एंड डिडेक्टिक डिडेक्टिक। इसमें क्या था, रिलीजियस पोएट्री इज ऑलवेज देयर इन एनी इंग्लिश पीरियड, द ऊल एंड द नाइटिंगेल एंड द कर्सर मुंडी। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क है रिलीजियस वर्क को, और इसमें जो नाइटिंगेल है उसको किस सूरत में लिखा गया, डिबेट की सूरत में लिखा गया, जो कि जिसने बहुत ज्यादा फेम हासिल किया। उसके बाद हम बात करते हैं रोमांसेस पे। रोमांसेस क्या है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर के एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, और दीज रोमांसेस आर नोटेबल फॉर देयर स्टोरीज एंड पोएट्री बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच। ये क्या थे, इसकी जो स्टोरीज थी लैटिन और फ्रेंच से ली गई। जैसे कि हमने पहले देखा कि इस पे इंग्लिश पे किसका असर था, सब लैटिन का और फ्रेंच का, तो उसके इस वजह से ये स्टोरीज जो थी वो कहाँ से लिखी, लैटिन और फ्रेंच से। दे डील विद द स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये जो स्टोरीज थी वो किसके बारे में लिखी गई थी, द किंग आर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। अब इस जमाने के जो फाइनेस्ट रोमांसेस थे वो कौन से थे, सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट। ये दो वर्क थे जो कि उस जमाने के फाइनेस्ट वर्क था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। इन इंग्लिश पीरियड मिरेकल प्लेस बिकेम वेरी पॉपुलर। उस जमाने में जो मिरेकल प्लेस थे वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, और इस वजह से इनको जो क्या कहा जाता था, मिरेकल प्लेस एंड मिस्ट्री प्लेस, इनको मिरेकल प्लेस भी कहा जाता था और साथ ही साथ इनको मिस्ट्री प्लेस भी कहा जाता था। इट फ्लरिश थ्रू आउट इंग्लैंड फ्रॉम द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड। और इस ड्रामे ने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया किसके जमाने में, हेनरी सेकेंड एंड एलिजबेथ के जमाने में। उसके बाद इनके जो थीम्स है, द थीम ऑफ दिस प्लेस आर द डे ऑफ फाइनल जजमेंट, फॉल एंड ट्रायल। और इसके जो थीम्स थे, फाइनल जजमेंट था, फॉल एंड ट्रायल, यानी कि लोगों को मजहब की बुनियाद पर काबू करना। उसके बाद है अनदर फॉर्म ऑफ ड्रामा इज मोरालिटी प्लेस। अनदर फॉर्म क्या है, मोरालिटी प्लेस है, और इसके जो थीम्स थे, इसके थीम्स भी इसी तरह थे। द थीम्स ऑफ दिस प्लेस आर स्ट्रगल बिटवीन द पावर्स ऑफ गुड एंड इविल विद इन द मैंस सोल, यानी कि अच्छाई और बुराई की जंग, यानी कि ये सवाब और गुनाह का कंसेप्ट था, ये जजा और सजा, जन्नत और दोजख, इस चीज का कंसेप्ट था। और इस इन तमाम चीजों का मेन रीजन क्या था, कि लोगों को डराए रखना, सवाब और गुनाह के चक्कर में फंसाए रखना, जन्नत और दोजख के चक्कर में फंसाए रखना, जैसा कि आज भी होता है कि हमारे जमाने में, या हमारे जो मस्जिद हैं, जो बड़े उम्र है, वो क्या करते हैं कि लोगों को मजहब की बुनियाद पर ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह से एंग्लो नॉर्मन पीरियड में भी यही होता था। इस जमाने के जो मोस्ट और इंपॉर्टेंट पुरुष थे वो है, इनमें जो फर्स्ट है वो है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द मिडिल एजेस, हिज पोइम अ विजन ऑफ पार्ट्स द प्लोमैन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। इसके जो पोइम है अ विजन ऑफ द पार्ट्स प्लोमैन, उसने इंग्लिश लिटरेचर में क्या लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी जगह थी। दिस पोइम इज अ स्टायर, ये पोइम क्या थी, एक स्टायर थी ऑन द करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिस एंड मोरल करप्शन। ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी और मोरल करप्शंस, यानी कि जो अफसराने बाला थे उनके, उसके बारे में इसने स्टायर लिखा। लैंग लैंड इज एसेंशियली सेटेरिक पोइट, ये क्या था, एक सेटेरिक पोइट था, वॉइस ऑफ द लोअर क्लासेस था, यानी कि एक आम आवाज की, आम आवाम की आवाज बना, और वॉइस ऑफ द वॉइसेस, और दानिश्वरों की
आवाज बना, यानी कि ये इस दौर का सबसे बड़ा राइटर था जिसने हुकूमत के खिलाफ लिखा। वो एक आम आवाज के आवाज बना, ये उस दौर का तब्दीली का शायर था और ये पहला राइटर था कि जिसने स्टाइल की बुनियाद डाली और उसने गवर्नमेंट पे और चर्च पे दोनों पे स्टाइल किया और अवामी मकबूलियत हासिल की। यानी कि इससे पहले किसी को भी जरूरत नहीं थी कि वो हुकूमत के खिलाफ लिखे या चर्च के खिलाफ लिखे, दोनों ही अपने दोनों को एम्पावर कर रहे थे या रूल कर रहे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जॉन गुवर। ही वॉज अ ग्रेट स्टाइलिस्ट एंड अ नैरेटिव पॉइंट। और साथ ही साथ ये क्या था, चौसर्स मेट या चौसर का साथी भी था। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इज कन्फेशन एमेंटिस विच इज द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द डिवाइन इंटरप्रेटर। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है कन्फेशन एमेंटिस, जो कि एक कन्वर्सेशन की सूरत में लिखा गया। और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसने खुद को जॉन गोवर ने प्रेजेंट किया एज अ मॉरलिस्ट। सेकेंड जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके मशहूर या होने की या इसका काबिल जिक्र काम है जो है वो ये क्या है कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर हु प्रिपेयर्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द फ्यूचर। कि इसने क्या क्या इंग्लिश लैंग्वेज को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया, जिस काम को चौसर ने पाया तकमील तक पहुंचाया। स्टार्ट उस किसने किया, जॉन गोवर ने, कि उसने हु कि उसने प्रिपेयर किया प्रिपेयर्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोइट है वो है चौसर। चौसर क्या है, चौसर वॉज अ रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ही इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसको क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ही इज अ रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ही इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड अफेयर्स। इसको मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड अफेयर कहा जाता है। राइट्स रियल ह्यूमन करेक्टर्स। इसने रियल ह्यूमन करेक्टर्स लिखे जो कि हमें अपने आसपास या किसी भी माशरे में हर किसी को ये अपने करेक्टर्स अपने आसपास चलते फिरते नजर आते हैं। जैसे कि द कंटेम्पररी टेल्स में उसने जो करेक्टर्स पोर्ट्रे किए वो हमें रियल करेक्टर्स ही लगते हैं। नेक्स्ट है कि निगलेक्टेड लैटिन एंड फ्रेंच ट्रेडिशंस। उसने लैटिन और फ्रेंच ट्रेडिशन दोनों तरह के ट्रेडिशंस को निगलेक्ट किया। हिज एजुकेशन एज अ पोइट वॉज टू फोल्ड। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ चौसर इज कैंटरबरी टेल्स। इसका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो क्या है, कैंटरबरी टेल्स, जिसमें उसने रियल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए। चौसर्स पीरियड। चौसर्स फॉल्स इनटू थ्री पीरियड्स। चौसर्स को हम तीन पीरियड्स, इसका जो टाइम पीरियड है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है इसका शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच। इसमें इस पे किस चीज का असर था, फ्रेंच का। ट्रांसलेटेड अ फेमस एंड वेरी लॉन्ग पोइम। इसने ट्रांसलेट किया किसको, एक वेरी लॉन्ग पोइम को, पोइम ली रोमन डी ला रोज, जिसको हम पढ़ते हैं रोमांट ऑफ द रोज। इसने उसकी ट्रांसलेशन की। और सेकंड इसका जो वर्क है वो है बुक ऑफ द डचेस, जो कि क्या थी, एक एलिजी थी। सेकंड पीरियड है जो इसका स्टार्ट होता है 373 से लेकर 84 तक। अब इसमें क्या था, शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर। इस पे उस टाइम इसने इटालियन लिटरेचर का असर था, स्पेशली ऑफ दांतेस डिवाइन कॉमेडी एंड बोकास्कियोज पोइम। अब उस पे इटालियन का जिन राइटर्स का इसने असर लिया वो कौन था, दांतेस डिवाइन कॉमेडी एंड बोकास्कियोज पोइम्स का। अब सेकेंड पीरियड में चौसर का जो वर्क है वो क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, वेरी ड्रामेटिक एंड स्टैटिक डायलॉग बिटवीन द असेंबल्ड बर्ड। इसमें क्या था कि ये डायलॉग है एक किन के दरमियान है, दो बर्ड्स के दरमियान ये डायलॉग है। और ये किसके बारे में, वो डायलॉग था द ट्रोजन प्रिंस के बारे में। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्क सेकंड का, द पार्लियामेंट फाउल्स, वेरी ड्रामेटिक एंड स्टारिक डायलॉग बिटवीन द असेंबल्ड बर्ड्स। और ये किसके बारे में ये डायलॉग कर रहे थे, ये कन्वर्सेशन थी इनके ट्रोजन प्रिंस के बारे में। अब सेकंड पीरियड का जो सेकंड इसका वर्क है वो है द स्टोरी ऑफ ग्रेजिल्डा, जो कि किसके बारे में थी, पिटीफुल पिक्चर ऑफ वुमेनहुड। वो एक पिटीफुल पिक्चर किसकी थी, एक वुमेनहुड की बयान की गई थी। एंड थर्ड जो इसका वर्क है वो है द हाउस ऑफ फेम, वो क्या था, एक कॉमिक वर्क है इसका।
अब थर्ड पीरियड क्या है? थर्ड पीरियड इसका स्टार्ट होता है 1348 से लेकर 90 तक। अब इसमें जो क्या है वो है इसका फेमस मार्क, वो है द कैंटरबरी टेल्स, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इसमें क्या था कि इसमें जो रियल करेक्टर्स हैं वो बयान किए गए हैं, जो कि हमें अपने माशरे में या किसी भी माशरे में हर किसी को ये कैरेक्टर्स नजर आते हैं अपने आसपास काम करते हुए चलते फिरते हुए। अब इस पीरियड में जो प्रोज है वो क्या है, देयर वर नो सच इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। इस जमाने में जो प्रोज है उसने तरक्की नहीं की। तो इसके जो जस्ट दो वर्क्स हैं वो है द एंक्राइन राइवल एंड द एजेंबाइट ऑफ इनविट। प्रोज के सिर्फ ये दो वर्क्स थे जो कि उस जमाने में लिखे गए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाके उसको डाउनलोड कर लें तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।